प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी का जो आपका बेसलाइन असेसमेंट आया हुआ है, मैथ का हमने ऑलरेडी बना दिया है, हिंदी का आधार रेखा मूल्यांकन पार्ट सेकंड है वो करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है सरल शब्द का विलोम शब्द है। तो सरल का अर्थ होता है बच्चों कठिन, सरल का विलोम शब्द होता है कठिन। दूसरा प्रश्न है एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों वचन। थर्ड आएगा नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर जो हमें लाइन दी हुआ है वो गलत दी हुई है, तो उसको हमें सही करके लिखना है। जैसे रोहित अपने घर गई, तो रोहित क्या है, एक मेल है, तो इसके लिए जो लास्ट में लगा हुआ है गई वहाँ वो गलत है। तो आपको क्या करना है, इसको सही करना है, रोहित अपने घर गया। और सेकेंड है तुम दोनों कहाँ गया, तो यहाँ पर तुम भी और गए दोनों ही मिस्टेक है, तो आपको सुधारनी है, तुम की जगह क्या लिखना है, वे दोनों कहाँ गए। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो नीचे हमें दो शब्द दे रखे हैं, जोर जोर से और नदी। तो आपको क्या करना है, ऐसी लाइन बनानी है जिसमें जोर जोर से शब्द आए, राम जोर जोर से हंस रहा है या राम जोर जोर से रो रहा है, आपको कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब सेकंड है नदी, आपको ऐसी लाइन बनानी है जिसमें नदी आए, तो आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि गंगा हमारी पवित्र नदी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कविता नदी से जल भर कर लाई, ठीक है, या राम नदी में स्नान कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब अगला है कचरा पात्र के उपयोग के दो लाभ बताइए। कि हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं, कचरा पात्र का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखिए पहला है कि कचरा पात्र के उपयोग से एक तो साफ सफाई रहती है, जगह जगह कचरा नहीं बिखरा रहता। सेकंड, अब जगह जगह कचरा नहीं बिखरेगा तो बीमारी भी नहीं फैलेगी। अब अगला आएगा सिक्स, तो नीचे लिखी चीजों की विशेषता बनाने वाले शब्द जोड़ कर लिखे। तो आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे समोसे, पेड़, चींटी, झंडा, तो आपको इसके आगे क्या लगाना है, विशेषता लगानी है। समोसे कैसे अच्छे लगते हैं, हमेशा गरम गरम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गरम समोसे। पेड़, पेड़ कैसा होता है, हरा होता है, आप चाहो तो यहाँ पे घना पेड़ भी लिख सकते हो, घना पेड़, लंबा पेड़, आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ विशेषता बतानी है। अब चींटी, मैंने तो यहाँ लिखा है काली चींटी, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। झंडा, झंडा कैसा होता है, तिरंगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से आपको 8 वाक्य लिखने हैं। तो मैंने तो यहाँ देखो बच्चों गाय पे लिखा हुआ है, क्योंकि गाय दिखी है, तो हमारे को गाय दिख रही है, तो इसी गाय पे हमने कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे यह है मेरी गाय, इसका रंग कैसा है, ब्राउन है, भूरा है, यह घास खा रही है और ये हमें क्या देती है, दूध देती है, इसके दूध से हम दही, मक्खन, घी में मिठाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं आएगा यहाँ पर। और हमें हमारी गाय बहुत अच्छी लगती है, तथा यह भी हमारे घर का एक सदस्य है। अब नेक्स्ट आएगा बच्चों एक कविता है, कविता को पढ़ना है, फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए उनके उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम कविता को रीड करेंगे। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े यह लाल हुई, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर। जगह जगह पर छेद थे, इसमें छलनी की छेद ली चादर, छेद सभी जब बने थितारे, चमकी थी ये काली चादर, ठीक है। अब आपको ये बताना है, तो पहले हम कविता का भाव जानेंगे। आसमान ने ओढ़ी ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। तो देखो जब बच्चों दिन होता है तो आसमान कैसा दिखता है, नीला नीला, तो आसमान की चादर कैसी होती है, नीली नीली। अब सांझ पड़े ये लाल हुई, अब जब सूर्यास्त होने लगता है तो आसमान कैसा दिखाई देता है, लाल लाल दिखाई देता है। आप देखिएगा शाम के समय जब सूरज ढलता है तो आसमान कैसा दिखता है, लाल लाल। रात पड़ी तो काली चादर, अब रात में अंधेरा हो जाता है तो आसमान हमें कैसा दिखता है, काला काला दिखता है, ठीक है। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर। अब दिन के समय तो आसमान नीला होता है, सांझ के समय जब शाम होने लगती है तो लाल हो जाता है, रात में आसमान काला हो जाता है। अब रात पड़ी तो पोल खुली, फटी हुई थी चादर, अब जब रात हुई
तो पोल खुल गई, इसकी राज खुल गया कि जो चादर है वो तो फटी हुई है। अब कैसे पता चला होगा कि चादर फटी हुई है? नीचे पढ़ने जा रहे, जगह जगह पर छेद थे, इसमें चलनी सी छेद ली चादर। अब जब देखो बच्चों, रात होती है, ठीक है, रात पड़ी तो पोल खुली है ना, रात को पोल कैसे खुली? उस चादर में से, जो काली काली चादर है उसमें से तारे टिमटिमाते हैं, तो तारों के टिमटिमाने से पता चला कि उस चादर में छेद थे। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर देने, हमने कविता को तो समझ लिया। कविता के अनुसार किस कारण से पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई है? अब देखो, रात में तारों के टिमटिमाने पर पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई है। दिन में तो देखो बच्चों, साफ बिल्कुल ब्लू दिखता है, स्काई ब्लू, शाम को लाल, और रात को उस चादर में से क्या दिखते हैं? टिम 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 करते तारे दिखते हैं। अब तारे कब दिखेंगे? कोई चीज़ फटी होगी तभी दिखेगा ना। अब बच्चों नेक्स्ट है पोल खुलना, मुहावरे का प्रयोग कविता में आया है। तो रात खुली पोल, रात हुई पोल खुली, तो ये एक मुहावरा है, ये मुहावरा कविता में आया है। तो सबसे पहले तो हमें इसका मुहावरे का अर्थ बताना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थ इसका अर्थ होगा पोल खुलना का अर्थ होगा राज खुलना, कोई हमें किसी का रहस्य पता चल जाता है। ठीक है, अब इसका वाक्य में प्रयोग आएगा कि राम ने अपने दोस्त की पोल खोल दी। अगला प्रश्न है, सांझ शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? जब सूर्य के अस्त होने के समय, जब सूरज अस्त होने लगता है तो आसमान की चादर लाल हो जाती है, अर्थात आसमान कैसा दिखाई देता है? लाल लाल। अब आपको बताना है कि कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या है, नीली और काली चादर, चमकीली चादर, आसमान की चादर या छेद वाली चादर? तो हम तो देखो बच्चों आसमान की चादर लिखेंगे, क्योंकि रात के दिन के समय भी आसमान में चादर होती है, रात के समय भी होती है और शाम के समय भी होती है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आसमान की चादर। ठीक है, अब एक पहरा और दें, उस पहरे को आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। अब आप गुल्लक तो आपको पता ही होगा क्या होता है, गुल्लक होता है जिसमें आप पैसे डाल के रखते हो। ठीक है, ऐसे गुल्लक और भी है धरती की। कैसी गुल्लक है? मिट्टी की बनी हुई। इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ठीक है, ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब, झील धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर जब बारिश खत्म हो जाती है तो हम इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन में खूब काम देता है। तो देखो बच्चों, आपको पता है जमीन के नीचे खूब पानी होते हैं। ठीक है, तालाब झील में तो आपको दिखता है, लेकिन अंडरग्राउंड भी पानी बहुत होता है। जैसे कुआं खोदते हैं जिस टाइम, और तो नीचे जमीन में से पानी निकलता है, तो कुआं खोदने के लिए बहुत ज़्यादा जमीन को नीचे तक खोदना पड़ता है, फिर जाके कहीं हमें पानी मिलता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो बारिश का जल है धीरे 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 जमीन के अंदर रिस रिस के नीचे इकट्ठा हो जाता है, जो जब पानी नहीं होता ऊपर तब वो पानी हमारे काम आता है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है, विशाल गुल्लक किसे कहा गया? तो धरती को विशाल गुल्लक कहा गया। धरती के अंदर जो जमीन के अंदर पानी इकट्ठा होता है उसको विशाल गुल्लक कहा गया। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? बरसात का पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में छनकर मिलता है। अब क्वेश्चन अगला है, बरसात के मौसम के बीच जाने पर हमें पानी कहाँ से मिलता है? बरसात के बीच जाने के बाद हमें जमीन में जो जमा पानी होता है वो मिलता है। बरसात के जल को हम किस प्रकार सहेज के रख सकते हैं? हम बरसात के जल को छोटे बड़े तालाब, झील, जमीन के भीतर जमा कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक अंडरग्राउंड पाइप डाली जाती है जब होम बनाते हैं, हाउस, घर बनाते हैं। ठीक है, जब बारिश का पानी आता है तो वो ज़्यादा बाहर गली में ना जाकर बारिश का जो छत पे पानी आता है वो डायरेक्ट आपके नीचे जो टैंक बना होता है उसमें चला जाता है। तो इस तरह से हमारा आज का जो हिंदी का बेसलाइन असेसमेंट है वो कम्प्लीट हुआ है। मैथ का हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप मैथ का वहाँ से देख कर कम्प्लीट कर लीजिए। फटाफट कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट के बेसलाइन असेसमेंट आ रहे हैं वो हम आपको कंप्लीट कर पाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।